स्वागत है आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फहीम खान। मैं भी मौजूद हूं गोपालगंज जिले के मीरगंज शहर के करीब एक छोटा सा बाज़ार बदरजीमी है, मैं वहीं मौजूद हूं। और मैं बताऊं कि यहां के लोगों के अंदर कोरोना का खौफ नहीं है, और मैं बताऊं कि यहां के जो भी दुकानदार हैं सब्जी लगाए बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, और लोग यहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं बताऊं कि जो भी गाइडलाइन जारी किया गया उसमें कपड़े की दुकान की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कपड़े का दुकान खोला गया है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब गाइडलाइन जारी किया गया है कि कपड़े की दुकान नहीं खुल सकती है तो ऐसा क्यों हो रहा है। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, आप आए जरा। 16 जुलाई से जो संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है और उसमें जो गाइडलाइन जारी किया गया था, क्या आपको पता है कि कपड़े की दुकान खुल सकती है, ऐसा गाइडलाइन आपको मिला है क्या? नहीं खुल सकती है। नहीं खुल सकती है तो आप क्यों खोले हैं? अभी आए थे मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो एक आदमी आए थे दे रहे हैं। एक आदमी से मतलब नहीं है, हम क्या जानते हैं, आप तो सुबह से भी खोल सकते हैं। नहीं, सुबह से नहीं, मोबाइल चार्ज करने के लिए खोले थे। सुबह यानी मोबाइल चार्ज करने के लिए आप दुकान खोल दे रहे हैं, यानी लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, ताला सब मारा हुआ है, ठीक है, इसलिए बोलने के लिए तो सब लोग यही चीज़ बोल रहे हैं। नहीं, वैसा ही बात है, आपके चेहरे पे मास्क है ना, सोशल डिस्टेंस है, आप कस्टमर को दुकान के अंदर बैठाए हुए हैं। ठीक है, जानते हैं, इसीलिए अथी कर दिए हैं, और अभी बंद कर रहे हैं, नहीं जा रहे। देखिए, शटर हट गया, अथी कहीं है, मोबाइल लिखा और अभी जा रहे हैं। आप तो दुकान खोल के इतना, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कपड़ा दिखाएं कि इतना सारा कपड़ा खोल के बैठे हुए हैं, क्या इस पर पुलिस प्रशासन यानी मीरगंज की जो भी पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रही है? ले रही है तो आप क्यों दुकान खोले हैं? ठीक है, बंद कर दे। मैं अपने एफएस न्यूज़ के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि इससे ये लग रहा है कि यानी मीरगंज की जो भी पुलिस प्रशासन है वो सख्ती से काम नहीं कर रही है, जिसके वजह से यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, और कपड़े के व्यवसायी जो हैं वो लोग भी दुकान खोले हैं। यहाँ कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो सब्जी लगाए हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? तो आप मास्क नहीं लगाए हैं, नाक को ढके नहीं है, आप अभी ढक रहे हैं, इससे पहले आप नहीं ढके थे, आपको डर नहीं लगता आपके दुकान पे कई तरह के लोग आते होंगे? पान के रखते हैं। आप अभी तो खोल के रखे थे। देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो यानी इनको तो कोरोना का डर ही नहीं है। मैं बताऊं कि लॉकडाउन की धज्जियां इस तरह से उड़ाई जा रही है, जैसे कि मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। मैं इधर दिखाऊं कि लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं और बहुत ही करीब हैं, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे दुकानदार भी हैं, आइए हम बात करते हैं। जनरल स्टोर यानी राशन की दुकान खुलने की अनुमति है, और मैं यहाँ दिखाऊं कि जो दुकानदार हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर सख्ती से काम नहीं कर रही है? आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए आप। आपका नाम क्या हुआ? राजेश। तो क्या आपको कोरोना से डर नहीं लग रहा है? काहे नहीं लगता है। तो आप मास्क नहीं लगाए हैं? देखिए, रखने से नहीं ना होगा, आज पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, और आप बिना मास्क और दुकानदार होते हुए दुकान के अंदर आप कस्टमर को सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो सांस फूलने लगता है, तो दुकानदार आप हैं, तो आप दुकानदार होने के नाते आप कस्टमर को दुकान के अंदर क्यों रखे हुए हैं? जब प्रॉब्लम है सांस लेने में, तो आप लोगों को अपने दुकान के अंदर रखे हैं, कोई बैरिकेड नहीं है, यानी सोशल डिस्टेंस नहीं है आपके पास? ठीक है, इसके बाद से तो क्या इस पे पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, अगर सही बताया जाए तो यहाँ जो लोग हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, और मैं एफएस न्यूज़ के ज़रिए बताऊं कि यहाँ मीरगंज की जो भी पुलिस प्रशासन है वो बेखौफ हो चुकी है, और वो बेखौफ नींद सो रही है, जिसके वजह से यहाँ लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है।